इस सुंदर सच्ची कथा को एक बार जरूर सुने। मेवाराम कपड़े का एक बहुत बड़ा व्यापारी था। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। एक लड़का, एक लड़की, सुंदर पत्नी, पूरा संस्कारी परिवार था। घर में एक बहुत ही सुंदर और विशाल मंदिर, जिसमें ठाकुर जी और किशोरी जी की भव्य मूर्ति, जिसका उसकी पत्नी नित्य बहुत सुंदर श्रृंगार करती थी, नित्य नए नए वस्त्र धारण करवाती थी, तरह तरह के व्यंजनों से ठाकुर जी और किशोरी जी को भोग लगाती थी। मेवाराम अपनी पत्नी को इस लग्न से ठाकुर जी की सेवा करते देखकर बहुत आनंदित होता था और मन में सोचता था कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे इतनी संस्कारी पत्नी मिली है और इतने अच्छे संस्कार उसने अपने बच्चों को दिए हैं। वह मन ही मन सोचता, मेरा घर किसी मंदिर से कम नहीं है। वह बस इसी बात से अंदर खुश होता रहता था, मैं तो धरती पर ही स्वर्ग देख रहा हूँ। उस स्वर्ग से सुंदर घर को उस समय नजर लग गई जब अचानक से किसी बीमारी के कारण उसकी पत्नी ठाकुर धाम को प्यारी हो गई। पत्नी की एकदम से चले जाने के बाद मेवाराम तो एकदम से टूट गया। अब तो उसका किसी चीज में मन नहीं लगता था। इतना बड़ा व्यापारी काम ठीक ढंग से ना करने के कारण उसका काम ठप हो गया। इतनी बड़े दुकान से अब वह बिल्कुल छोटी सी दुकान पर आ गया, जिससे घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। घर में हर चीज की कमी आ गई थी, खाने पीने में, बच्चों की पढ़ाई में। लेकिन मेवाराम ने ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी ना आने दी, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा करके उसको ऐसा लगता था जैसे वह अपनी पत्नी के अधूरी सेवा को पूरा कर रहा है। अब तो वह ठाकुर जी को भोग लगाकर उनकी सेवा करके ही मन को तसल्ली दे देता था। छोटी सी दुकान का पर कमाई बड़ी मुश्किल से होती थी, क्योंकि छोटी सी दुकान पर भी मेवाराम ठीक तरह से मन लगाकर नहीं जा पाता था। अब तो धीरे धीरे बच्चों को भी समझ आ गई कि मेवाराम हमारी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाएगा, इसलिए बच्चे संस्कारी होने के कारण अपने पिता को तंग नहीं करना चाहते थे। उन्हें खुद ही मेहनत करके खुद ही पढ़ना शुरू कर दिया। बच्चे पहले नौकरी पर जाते, बाद में पढ़ते। घर पर सारा दिन केवल मेवाराम अकेला रहता था। मेवाराम ठाकुर जी के लिए अपने दुकान से लाए हुए कपड़े से उनके लिए एक पोशाक बनाना चाहता था, लेकिन अब उसमें वह शक्ति नहीं रही थी और ना ही उसकी आंखें इतना काम करती थी। लेकिन फिर भी वह रोज धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ठाकुर जी और किशोरी जी के लिए पोशाक बनाने का काम करता। 6 महीने बीत गए, उसकी पोशाक बनकर तैयार नहीं हुई थी। वह अपने आप को बहुत कोसता था कि मेरी पत्नी तो हर रोज ठाकुर जी को नए नए वस्त्र धारण करवाती थी, लेकिन मैं बदकिस्मत ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। कई बार तो वस्त्र सिलते सिलते उसके हाथों में सुई चुभ जाती, लेकिन उसको इस दर्द में भी आनंद चाहता आता था। रात को सोने से पहले वह ठाकुर जी की पूरी सेट सजाता। ठाकुर जी और किशोरी जी के लिए पीने के लिए साफ जल रखता, खाने के लिए कभी खीर और कभी हलवा कचौरी रखता, क्योंकि उसकी पत्नी हमेशा ऐसा करती थी। और उसकी पत्नी का कहना था कि रात को ठाकुर जी किशोरी जी यहाँ आकर विश्राम करते हैं, और अगर कभी उनको भूख लगी तो वह कुछ खा सकते हैं, अगर प्यास लगी तो पानी पी सकते हैं। बस अपनी पत्नी की निष्ठा और विश्वास का वह पालन कर रहा था। उधर किशोरी जी और ठाकुर जी ने एक दिन जब उन्होंने निकुंज में प्रवेश किया तो सभी सखियों ने मिलकर बहुत ही सुंदर तरीके से घी से बने हुए दीपों की कतार लगाई हुई थी, जो कि बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही थी। ठाकुर जी और किशोरी जी ने जब निकुंज में प्रवेश किया तो वह अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी ही दूर जाने पर उन्होंने देखा कि उनके विश्राम के लिए बहुत ही सुंदर सेज सखियों ने सजाई हुई है। पास ही किशोरी जी के श्रृंगार का पूरा सामान रखा हुआ है, जैसे कि बहुत सुंदर फूलों की माला रखी हुई है, हाथों पर लगाने के लिए मेहंदी रखी हुई है, पांव में लगाने के लिए आलता रखा हुआ है, मस्तक के लिए चंद्रिका रखी हुई है। और सब सखियां बड़ी बेसब्री से किशोरी जी को श्रृंगार करने के लिए लालायित है। खाने के लिए बहुत स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए हैं। पान का बीड़ा, जो किशोरी जी को बहुत पसंद है, रखा हुआ है, और सेज को बहुत ही सुंदर एक वृक्ष के नीचे सजाया हुआ है।
किशोरी जी ठाकुर जी जैसे ही विश्राम करने के लिए बैठे तभी सभी सखियों उनके पास आ गई कि शायद ठाकुर जी किशोरी जी को उनकी सहायता चाहिए होगी, लेकिन ठाकुर जी ने आंखों ही आंखों में सभी सखियों को बड़ी विनम्रता से आग्रह किया कि आज किशोरी जी का श्रृंगार और उनकी सेवा का सौभाग्य उनको प्राप्त करने दो। तो सभी सखियां लालजू का इशारा समझते हुए वहां से चली गई। ठाकुर जी ने किशोरी जी के पांव में बड़े ही प्यार से आलता लगाया और बड़े प्यार से उनकी वेणी को गुंथा, उस पर गजरा लगाया, माथे पर सुनहरी रंग की बिंदिया को लगाया, सिर पर चुन्नी को ओढ़ाकर उस पर बहुत ही सुंदर चंद्रिका को धारण करवाया। अभी वह इतना श्रृंगार कर ही रहे थे तभी एकदम से ठंडी और शीतल हवा चलने लगी। तभी एक सुंदर हवा का झोंका किशोरी जी और ठाकुर जी के चरणों को जैसे प्रणाम करता हुआ वहां से निकल गया। अचानक आसमान में बादल गरजने लगे, जोर जोर से बिजली चमकने लगी और अचानक से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश की वह बूंदें ना जाने कब से इस इंतजार में थी कि कब उनको सौभाग्य प्राप्त हो वह किशोरी जी और ठाकुर जी के अंग को स्पर्श कर सके। तभी वर्षा का पानी वृक्ष के नीचे बैठे लालजू और किशोरी जू के ऊपर पड़ने लगा। लगातार बारिश को होते देखकर किशोरी जी का मन उस बरखा में भीगने के लिए मचलने लगा और वह झट से वहां से उठकर बारिश में आनंद लेने लगी। वास्तव में वह बारिश का आनंद नहीं बल्कि बारिश की बूंदों को सौभाग्य दे रही थी, जिनकी चाहत थी कि वह किशोरी का अंगीकार करे, उनके चरणों को स्पर्श करे। लेकिन ऊपर से आने के कारण बारिश की बूंदे ऐसे लग रहा था कि जैसे लाडली जी के सुकोमल अंगों पर उनका प्रहार हो रहा हो, जिनको लाडली जू के सुकोमल अंग शायद सहन न कर पा रहे थे। लाल जू ये सब देख रहे थे और उन्होंने जाकर लाडली जी से कहा कि यहाँ वृक्ष की ओट में आ जाओ, यह बारिश की बूंदे तुम्हारे कोमल शरीर पर बहुत तेजी से प्रहार कर रही हैं। लेकिन लाडली जू मुस्कुराकर बोली, नहीं कान्हा, मुझे तो आनंद आ रहा है, लेकिन शीतल हवा और बारिश के कारण अब किशोरी जू कांपना शुरू हो गई। कान्हा को अब चिंता होने लगी, उन्होंने देखा कि उनकी प्रिया ठंड के कारण कांप रही है, तो उन्होंने उसको अपने सीने से लगाकर कुछ गर्माहट देने की कोशिश की, लेकिन वह भी असफल रहे क्योंकि लाल जू तो खुद ही वर्षा के कारण भीग गए थे। अब तो ठाकुर जी को भी चिंता होने लगी कि मेरी प्रिया को कष्ट सहना पड़ रहा है बारिश के कारण। अब तो निकुंज की धरती भी बिल्कुल गीली हो गई थी। ठाकुर जी चाहते थे कि वह जल्दी से जल्दी महल पहुंच जाए, लेकिन वहां जाने के लिए भी उनको काफी समय लग सकता था। उन्होंने किशोरी को अपने अंग में उठा लिया और जल्दी से जल्दी वहां से चल पड़े। अभी कुछ दूरी पर ही पहुंचे थे तभी उनको मेवाराम का घर दिखाई दिया, जहां पर अभी भी रोशनी थी और अंदर से एक अजीब तरह की सुगंध आ रही थी, जिसमें ठाकुर जी उस ओर खींचे चले गए। अंततः जब वहां पहुंचे तो घर का दरवाजा खुला हुआ था। ठाकुर जी ने सोचा कि किशोरी जी को यहाँ कुछ देर के लिए विश्राम कराया जाए और वह गोद में उठाए हुए किशोरी जी को अंदर ले गए। वह ये देखकर हैरान हो गए कि अंदर घर के कमरे में बहुत ही सुंदर सेठ सजी हुई है, जिस पर बहुत ही सुंदर दो पोशाकें पड़ी हुई है, हाथों से बनाए हुई फूलों की माला पड़ी हुई है, पान का बीड़ा पड़ा हुआ है, केसर की खीर बनी पड़ी हुई है, जल का एक लोटा पड़ा हुआ है। लेकिन जब उन्होंने इधर उधर देखा, बाकी सारे घर में अंधेरा था, उनको कोई नजर ना आया, तो ठाकुर जी ने जल्दी जल्दी किशोरी को वहां पड़ी पोशाक को धारण करने के लिए कहा और खुद भी वहां पड़े हुए वस्त्रों को पहन लिया। काफी देर वर्षा में भीगने के कारण अब तो ठाकुर जी और किशोरी जी को तीव्र भूख लगी हुई थी। भूख को शांत करने के लिए ठाकुर जी और किशोरी जी ने वहां पड़ी केसर वाली खीर को ग्रहण किया, जो कि अत्यंत स्वादिष्ट थी। मेवाराम के द्वारा बनाए वस्त्रों में ठाकुर जी और किशोरी जी अत्यंत सुंदर लग रहे थे। ठाकुर जी तो एकदम से हैरान हो रहे थे कि यहाँ पर हमारे ही नाप के वस्त्र कैसे पड़े हुए थे। किशोरी जी तो उन वस्त्र में अत्यंत रूपवान लग रही थी। ठाकुर जी तो उसके इस रूप को देखकर ठगे से रह गए थे कि आज से पहले किशोरी जी को मैंने कभी भी इतना सुंदर स्वरूप नहीं देखा जितना कि वह इन वस्त्रों को धारण करके सुंदर लग रही है। पास रखे पान के बीड़े में से दोनों ने एक एक पान खाया। पान का बीड़ा खाने के कारण दोनों के होंठ बिल्कुल लाल हो चुके थे।
जब सुबह हुई तो मेवाराम उस कमरे में गया तो उसने देखा कि आज ही अचानक इस कमरे में इतनी सुंदर इत्र की खुशबू कहाँ से आ रही है। वह वहाँ गया तो वहाँ का दृश्य देखकर हैरान हो गया। मिट्टी से सने हुए किसी के पांव के निशान कमरे में थे। ठाकुर जी के और किशोरी जी के लिए बिछाए पलंग के ऊपर पड़े हुए वस्त्र वहाँ पर नहीं थे। वहाँ पर तो हीरे रत्न जड़े किसी की पोशाकें पड़ी हुई थी, जो कि ठाकुर जी और किशोरी जी वहाँ पर अपने वस्त्र छोड़ गए थे। पान का बीड़ा खाया हुआ था, खीर का लोटा खाली था, जल पिया हुआ था। मेवाराम ये सब देखकर स्तब्ध रह गया कि वो कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा। क्या वास्तव में ठाकुर किशोरी जी यहाँ आए थे? मेरे द्वारा आज ही तैयार हुई पोशाक को क्या वह धारण करके गए हैं? मेरे द्वारा बनाई गई खीर को क्या वह ग्रहण करके गए हैं? उसने जो अपने हाथों से फूलों की माला को बनाया था उन्होंने धारण करके गए हैं। ये सोच सोच कर उसकी आंखों में अश्रु धारा निरंतर बहने लगी। क्या सच में आज मुझ पर लालजू और किशोरी जू को दया आ गई? लेकिन वो हैरान था कि उस कमरे में तो मिट्टी से सने हुए आने के तो एक ही चरण के निशान है, लेकिन वापसी में दो चरणों की छाप थी। वह उन चरणों में मस्तक रखकर लौटने लगा और चरणों पर मस्तक रखते ही उसको ऐसे लगा कि जैसे किशोरी जी और ठाकुर जी ने उसके सर पर हाथ रखकर उसको आशीर्वाद दिया है। वास्तव में वर्षा में भीगने के कारण ठाकुर जी ने किशोरी को अपने अंक में उठाया हुआ था, इसलिए आते वक्त ठाकुर जी के ही अकेले चरणों के चिन्ह थे और जाते समय ठाकुर विशाल जी के दोनों के चरणों की छाप मेवाराम के मंदिर के फर्श पर थी। वो उन चरणों में मस्तक रखकर जोर जोर से रोने लगा और बलिहार जाने लगा कि क्या मैं इतना भाग्यशाली हो गया हूँ जो कि ठाकुर जी और किशोरी जी को मुझ पर इतनी दया आ गई। वास्तव में ये सब लीला ठाकुर की थी, क्योंकि इतने महीनों से इतने विश्वास निष्ठा और लगन से मेवाराम पोशाक को बना रहा था। आज ही वो बनकर तैयार हुई थी और उसी का मान रखने के लिए ये सब लीला ठाकुर जी ने की थी, नहीं तो जिस ठाकुर जी और किशोरी जी के अंदर हजारों सूरज की तपिश विद्यमान हो, उनको सर्दी गर्मी का एहसास कैसे हो सकता है? लेकिन एक भक्त की भक्ति निष्ठा और विश्वास का मान रखने के लिए उन्होंने सभी लीला की थी। इसलिए अगर हम भी सच्ची निष्ठा लगन और प्रेम से ठाकुर जी और किशोरी जी के लिए कुछ बनाते हैं, उस प्रेम का मान के लिए ठाकुर जी और किशोरी जी अवश्य उसको ग्रहण करते हैं। आज मेवाराम को उसकी सेवा का मेवा मिल चुका हुआ था।